अनुष्का, ये कैसी जिद है? क्या हम किसी से कोई बात ना करें? मैं और जमान जो है हर बात पे खामोशी इख्तियार कर लें, तुम्हारे ऊपर जो ज्यादतियां हो रही हैं उनके पर आंखें बंद करके बैठ जाए। मामा आपको क्या लगता है, अब बात करेंगी तो क्या उन्हें क्या लगेगा? तुम्हारे कहने का मतलब है कि उन पे किसी की बात का कोई असर नहीं होता? सही समझ लें। ठीक है अलशबा, फिर जबान का जो भी फैसला है मेरा भी वही फैसला है। तुम वहां नहीं जाओगे, उस घर में जिसमें तुम्हारी कदर नहीं है। नहीं मामा, ऐसा नहीं कर सकती मैं। जिस इंसान ने मेरी इतनी कदर की है उसको यूं बेकदरा करके नहीं छोड़ सकती। गलत कह रही हो तुम। अगर उसने तुम्हारी कदर की होती तो तुम्हें हालात के रहमो करम पे यूं छोड़ देता? उस लड़के को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मामा परवाह है साधन को, वो तो सारिम को घर वापस ही नहीं लाना चाह रहे थे। अच्छा, तो फिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? विश, मैं अपनी मजबूरी आपको समझा सकती। क्यों नहीं समझा सकती हो अलिशबा? मुझे बताओ कि क्या मजबूरी है, बताओ। मामा उस घर में मैं एक मुजरिम, और मेरा जुर्म ये है कि मैंने उस घर से सारिम को निकलवाया। यही बात आंटी को भी लगती है, और आंटी सच सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे नहीं लगता वो मेंटली कभी प्रिपेयर हो भी पाएंगी। इसी वजह से जो वादा सादान ने आपसे किया है उस फैसले से वो हट नहीं पा रहे। अब मेरी बात समझने की कोशिश करें, मुझे ही मदद करनी पड़ेगी सादान की। अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आ रही है कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन सारिम तुम्हें उस घर में चैन से जीने नहीं देगा। कि मुझे फिर भी उस घर में वापस जाना होगा मामा, और आपको मुझे जाने देना पड़ेगा। सादान है ना वहां पर मेरा साथ देने के लिए, संभाल लेंगे वो सब। कहा था ना, वादा किया था उन्होंने कि हमेशा हर मुश्किल में साथ देंगे मेरा। और आपकी भी तो दुआएं हैं ना मेरे साथ, आपका प्यार होगा तो मैं हर मुश्किल सर कर लूंगी। प्लीज। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ। थैंक यू।